नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। से चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कोरोना वायरस का साया, बुधवार को खत्म हो जाएगा संसद का मॉनसून सत्र। कृषि विधेयक पर शिवसेना हुई मुखर, कहा केंद्र सरकार जागी तो ठीक, वरना विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। NGT ने कहा पोल्ट्री फार्म प्रदूषण का कारण, नियमों से नहीं दी जा सकती है छूट। अलकायदा आतंकवादियों के गिरफ्तारी पर राज्यपाल बोले अवैध बम बनाने का अड्डा बन गया है पश्चिम बंगाल। PM मोदी फिर कर सकते हैं कोरोना को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कर्नाटक की मंगलुरु में बनेगी देश की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी। KVIC के सख्ती पर Amazon, Flipkart और Snapdeal ने हटाए नकली खादी उत्पाद। BSF प्रमुख राकेश अस्थाना ने कहा कि सीमा पर हिंसा में होगी कमी। अदालत ने दी दीपक कोचर को निजी अस्पताल में इलाज की इजाजत, अभी दिल्ली के एम्स में है भर्ती। सर्दी में स्मॉग से दिल्ली की सांस बचाने खुद मैदान में उतरा PMO, गठित की टास्क फोर्स। केंद्रीय विद्यालय संगठन, 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अलग अलग दिन स्कूल आएंगे। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को लेकर PM मोदी के प्रधान सचिव ने की बैठक। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, अभी बिक्री पर कोई निर्णय नहीं। मेघालय के तूरा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई तीव्रता। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मां सुलोचना सुब्रमण्यम का निधन। भारतीय सेना के मुताबिक पाक की घुसपैठ को रोकने के लिए LOC पर तैनात किए गए और 3000 जवान। संसद में बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा कि जब चीन से बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने किया बदलाव, राज्यसभा से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास। स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 के अभिनेता आदित्य सील के पिता का COVID-19 से निधन। यौन शोषण के आरोप पर अनुराग कश्यप की सफाई, कहा थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। इटालियन ओपन में हाले 5वीं बार सेमीफाइनल में, पुरुष एकल वर्ग में रूड भी अंतिम 4 में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट, अधिकारियों ने छानबीन में पकड़ा। अमेरिका में टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइट डांस ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान की उत्तर पूर्वी प्रांत कुंदूज में 2 हवाई हमलों में 30 नागरिकों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गिन्सबर्ग के स्थान पर जल्द ही किसी को करेंगे नामित, ये हमारा दायित्व।